गुड मॉर्निंग डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। एंड बिफोर सम डेज वी हैव लर्नड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल्फिश जायंट लेसन्स एंड नाउ आई स्टार्ट रीडिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन्स की Actually, the giants was selfish or not? Okay, first we read the lessons, whole part of second part of this lesson, and at last we decide the giant was selfish or not. Now I start reading the some highlight sentences that indicates or describe the whole second part. To celebrate the return of these children, trees covered themselves with birds and blossoms. बच्चों के आने के बाद वृक्ष हैं वो उसने अपने आप को पक्षियों से और फूलों और फलों से लाद लिया. The giant was delighted to see his friend back, especially a little boy whom he loved dearly. जो दानव है वो बहुत खुश हुआ अपने मित्रों को वापस पाकर, खास करके एक छोटा बच्चा जो उसको बहुत प्यार करता था. द लिटल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. उस जो छोटा लड़का, उसने कहा कि वो जल्दी ही वापस आएगा और इसके बाद वो गायब हो गया. ही सा मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने देखा कि बहुत ही सुंदर दृश्य है. थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, कि दीवार में एक छोटा सा छेद है जो बच्चों ने किया है. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, उन्होंने देखा कि उनके पास एक छोटा बच्चा है. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और जो वृक्ष हैं वो बहुत खुश हैं बच्चों को वापस पाकर. एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम्स, और उन्होंने फल फूलों से लाद लिया है. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने हाथों को अच्छी तरह से हिला रहे हैं. अबो द चिल्ड्रन सेंट, और वो अपने बच्चों के जो हेड्स हैं, सिर हैं, उनके ऊपर से अपने जो हाथ हैं, ब्रांचेज हैं, उनको हिला रहे हैं. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं इधर उधर और ट्विटरिंग मतलब होता है चहचहाना. विद डिलाइट मतलब होता है खुशी, यानी कि बच्चे कुछ जो वृक्ष हैं वो खुशी के मारे झूल रहे हैं. एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, जो फूल हैं वो किसके ऊपर पड़े हैं, घास के ऊपर पड़े हुए हंस रहे हैं. इट वॉज अ लवली सीन, ये बहुत ही मनोहक दृश्य है. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक ही कोने में क्या है अभी भी सर्दी है. इट वॉज फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा है बगीचे का. एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और यहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा हुआ है. ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा है. दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वो किसकी मतलब वृक्षों की शाखाओं पर नहीं चढ़ सकता. एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड, और वो इसके चारों तरफ घूम रहा है. क्राइंग बिटरली, और वो बड़े मतलब दुख के कारण चिल्ला रहा है. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट, जो बूढ़ा वृक्ष है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो बर्फ से ढका हुआ. एंड स्नो मतलब होता बर्फ से और धुंध से ढका हुआ है. द एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोइनिंग अबाउट, जो उत्तरी पवन है वो उसकी तरफ बह रही है और मतलब आवाज कर रही है. क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ो, सेट द ट्री, वृक्ष ने कहा. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी ब्रांचेस को उतना नीचे कर दिया जितना वो कर सकता था. बट द बॉय वॉज टू टीनी, परंतु लड़का बहुत छोटा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जैसा ही मतलब राक्षस ने देखा उसका हृदय पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, कितना स्वार्थी हूँ, सेट उसने कहा. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कि यहाँ पर वसंत ऋतु क्यों नहीं आई. आई विल पुट दैट पुअर चिल लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं जो छोटा लड़का है उसको वृक्ष की टहनी पर रख दूंगा, टॉप पर रख दूंगा. देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और तब मैं दीवार को गिरा दूंगा. एंड माई गार्डन
सेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, वो हमेशा के लिए मेरा जो बगीचा है वो बच्चों के लिए खेलने का स्थान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, उसने सभी के उसके लिए माफ़ी चाही जो भी उसने किया था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टे एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइटली सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से अपने दरवाज़ा खोला, वो नीचे गया और दरवाज़ा खोला एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, बगीचे में चला गया। एंड बट वैन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे आल रैन अवे, उन्होंने जब वो उनके पास आया तो बच्चे डर गए, उन्होंने सोचा कि वो वहाँ से भगाएगा उनको। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और तब दोबारा से फिर बगीचे में शरद ऋतु आ जाएगी। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, और परंतु सिर्फ अकेला एक लड़का, एक छोटा लड़का जो नहीं भागा है। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे एंड ही डिड नॉट सी द जायंट्स कमिंग, और वो राक्षस को आते हुए नहीं देख सकता था। एंड द जायंट स्टॉल हिम अप बिहाइंड हिम, उसके सामने खड़ा हो एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, उसके अपने हाथों में उठाया एंड पुट हिम इन टू द ट्री, उसने उस वृक्ष पर रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम्स एंड द बर्ड्स केम एंड संग ऑन, तभी उन्होंने क्या किया, जो मतलब फूल हैं उन्होंने वो बदल गए, उसके वृक्ष के ऊपर आ गए और पक्षी चहचहाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लैंग देम राउंड द जायंट्स नेक, उसने अपनी बाजुओं को फैलाया बच्चे ने और जो जायंट है राक्षस है उसके गले की चारों तरफ लपेट लिया। फ्लंग होता है लपेटना। एंड किस्ड हिम, और उसको चूमा। एंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों ने व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट वीकर एनी लॉन्गर, कि अभी तक उनका जो मतलब क्या है कि रनिंग मतलब अभी वो राक्षस नहीं है, यानी कि पहले उन जो प्रवृत्ति थी अब नहीं है। कम केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आए। बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और तभी बसंत ऋतु आ गई। इट इज योर गार्डन नाउ, अभी तुम्हारा बगीचा है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, सेड द जायंट, जायंट ने कहा, राक्षस ने कहा। ही सेड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली, नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने पूरी दीवार को गिरा दिया। एंड द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब 12 बजे लोग मार्केट में जाते थे, फाउंड द जायंट्स प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, कि बहुत जो बगीचा था बहुत प्यारा था, इससे मतलब प्यारा बगीचा आसपास नहीं था। वो बच्चों के साथ खेलते हुए उस जायंट को देखते ऑल डे, पूरा दिन लॉन्ग ही दे प्लेड, वो सारा दिन खेलते रहते। इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट्स टू बिड हिम गुड बाय, वो उनको गुड बाय यानी कि अलविदा कहने के लिए शाम को आते। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सैड, उसने कहा छोटा बच्चा कहाँ है, तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसने मैंने वृक्ष में रखा था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि जो राक्षस है उसको प्यार करता था और उसको पसंद भी करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। ही हैज गोन अवे, वह चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम्हें उसको बताना होगा और लेकर आना होगा, सेट द जायंट, जायंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, परंतु वो उसको नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैव नेवर सीन बिफोर, उससे पहले कभी नहीं देखा है। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और राक्षस है वो बहुत उदास हुआ। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल से छुट्टी होती थी, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे एंड प्लेड विद जायंट, और राक्षस के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, दोबारा उसने उस बच्चे को नहीं देखा। द जायंट वाज वेरी काइंड ऑफ टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी जो बच्चे थे उनके प्रति वो क्या था, राक्षस था, बहुत दयालु था। येट फिर भी ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, वो अपने छोटे मित्र को देख रहा था। एंड ओपन स्पोक होम हिम, और प्राय उसके बारे में बात करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसको कैसे मिल सकता हूँ, यूजर टू से, उसने कहा। ईयर्स वेंट बाय, वर्षों बीत गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, जो राक्षस है वो बूढ़ा बूढ़ा हो गया और कमजोर भी हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनीमोर, वो ज़्यादा नहीं खेल सकता। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, वो एक लकड़ी के उससे बैठ गया था, कुर्सी पर बैठ गया था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, वो अपने बगीचे को संभाल करता और बच्चों खेलते हुए देखता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर, मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, सैट उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, इन सभी में जो बच्चे हैं वो सभी क्या हैं, बहुत सुंदर
कूल हैं। वन विंटर एक शैम्पू एक सर्दी ऋतु मॉर्निंग सर्द सुबह में ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग। जब वो पहन रहा था मतलब कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की से बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, और वो सर्दी से ईर्ष्या नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वाज मेयरली द स्प्रिंग स्लीप, यानी कि ये वसंत ऋतु का आगमन ही है, इनकी अभी वसंत ऋतु आने वाली है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और अभी फूल पौधे क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुकड, और उसने अचानक से अपने हाथों से आंखों को मला और देखा। इट सडनली वाज अ मार्वलस साइट, ये एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूसम्स, अभी भी सफ़ेद प्यारे सफ़ेद फूलों से एक वो जो वृक्ष है उसमें जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें जो वृक्ष है वो भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, इसकी जो शाखाएं थी वो सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स यूज हंग डाउन फ्रॉम देम, और उससे जो सिल्वर चांदी के कलर के क्या थे जो फल थे वो गिर रहे थे। एंड अंडर नेट इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और जिसके नीचे कौन खड़ा था, वो छोटा बच्चा जिससे वो प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स, वो नीचे गया रहा ग्रेट यहाँ टीन ग्रेट थे, बहुत मतलब मनोहक दृश्य में भागा। एंड आउट इन टू द गार्डन, और बगीचे में चला गया। ही हस्टंड अक्रॉस द ग्रास, वो बगीचे की मतलब घास की मतलब पूरा पार करें। केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वाउंड थी, यानी कि जब उसने उसकी तरफ अपने चेहरे को वो उसके पास लेकर आया तो उसने बड़े गुस्से से उसको देखा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, कि उन्होंने बच्चे के हथेली पर दो क्या रख दिए, जो नेल्स हैं अंगूठे जो क्या होते हैं नेल्स, नाखून के निशान हैं वो डाल दिए। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और दो नन्हे पाँव पर उसने जो पाँव थे उसके छोटे पाँव थे उस पर भी दो निशान लगा दिए। हु हर डेयर टू वाउंड दी, भी आपको इतना मतलब ये कष्ट पहुंचाने किसने पहुंचाया है। क्राइड द जियांट, जियांट चिल्ला, टेल मी मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपनी बड़ी तलवार निकालूंगा और उसको काट डालूंगा। नहीं आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा नहीं, बट दीज आर द फाउंड्स ऑफ लव, ये प्यार की निशानी है। हु आर डी दो, जो आपने दिए थे, सेड द जियांट ने कहा। एंड अ स्ट्रेंज आवल ऑन हिम, एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, कि एक अद्भुत सी घटना घटी थी जो उस पर गिरी, मतलब एक आओ या आप ये कह सकते हो कि मतलब एक भारी भरकम मेरे ऊपर वस्तु गिरी थी और जिसने मुझे चोट पहुंचा दी थी। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जियांट, राक्षस के ऊपर वो चिल्ला एंड सेड टू हिम, उसको कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, क्या मैं आपको बगीचे में खेल सकता हूँ। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज, कि पैराडाइज मतलब एक मनोहक है या फिर एक पैराडाइज जगह है जहाँ पर मेरा एक बगीचा है और बहुत ही सुंदर बगीचा है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड दैट द आंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, जब उन्होंने पाया दोपहर को कि बच्चे आए, उन्होंने पाया कि जो राक्षस वो मरा पड़ा हुआ वृक्ष के नीचे, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूसम्स, उसके चारों तरफ सफ़ेद फूल हैं। ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई है। तो जियांट्स हैं, फर्स्ट पार्ट वी सी दैट द जियांट्स वाज अ सेल्फिश पर्सन, बट इन द सेकेंड पार्ट वी सी दैट ही लव्ड द लिटल चिल्ड्रन एंड मोस्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड आई विल प्रोवाइड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। थैंक यू।